गाइस स्वागत है आपका अपना चैनल पेंथा 11। आज वीडियो में हम बात करेंगे एनबीए बास्केटबॉल के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं। आज जो मैच खेला जाएगा एटलांटा हॉक्स वर्सेस आपको शिकागो बुल्स के साथ ये मैच खेला जाएगा। वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि इस वीडियो से मिलने वाला है एसएल और जीएल के रिगार्डिंग फुली डीपली एनालिसिस, इसलिए स्किप मत कीजिएगा, फुली वीडियो देखिएगा। अगर आप फुल की वीडियो देखते हैं तो इजीली बना पाएंगे अपना एसएल और जीएल टीम, इसलिए स्किप मत कीजिएगा। गाइस बात करते हैं सबसे पहले दोनों टीमों की, जो आज के स्टार्टिंग 5 प्लेयर्स रहने वाले उसकी रिगार्डिंग बात कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं शिकागो बुल्स की तरफ से आज के मैच में जो स्टार्ट कर रहे हैं वो पॉइंट गार्ड सेक्शन से आपको आयो डोसुमु ये स्टार्ट करते हुए नजर आएंगे। शूटिंग गार्ड से आपको जेड लेवाइन स्टार्ट करते हुए नजर आएंगे। स्मॉल फॉरवर्ड से आपको डी डेजुरेन स्टार्ट करते हुए नजर आएंगे और पावर फॉरवर्ड से आपको पी विलियम से स्टार्ट करते हुए नजर आएंगे और सेंटर से आपको एन भोसविक ये स्टार्ट करते हुए नजर आएंगे। गाइस बात करते हैं आज के मैच में जो शिकागो बुल की तरफ से आउट रहने वाले प्लेयर्स रहेंगे, लिंजो बॉल जो पॉइंट गार्ड से आउट रहेंगे और ए क्रूसर ये भी पॉइंट गार्ड से आउट रहेंगे और जेटीडी रहने वाले जे ग्रीन आज के मैच में शिकागो बुल्स की तरफ से। गाइस बात करते हैं एटलांटा हॉक्स की तरफ से आज के मैच के जो स्टार्टर रहने वाले हैं पॉइंट गार्ड सेक्शन से आपको टी यंग स्टार्ट करते हुए नजर आएंगे, ए जी गिफी जो आपको शूटिंग गार्ड से स्टार्ट करेंगे और डी हटर की बात करें स्मॉल फॉरवर्ड से स्टार्ट करते हुए नजर आएंगे। पावर फॉरवर्ड से आपको जैलन जॉनसन स्टार्ट करते हुए नजर आएंगे और सेंटर से आपको क्लाइंट कैपेला स्टार्ट करते हुए नजर आएंगे। गाइस बात करते हैं बेंच प्लेयर जो रहने वाले हैं इनकी तरफ से, पावर फॉरवर्ड से डी हटर जो आज के मैच में जीटीडी रहने वाले हैं उसकी हम बात कर लेते हैं। जो आउट प्लेयर्स की बात कर लेते हैं, जे कोलिन्स आज के मैच में आउट रहेंगे और डी मोरे आज के मैच में आउट रहेंगे और ओकुंगवा जीटीडी है बट मोस्टली चांसेस था आज के मैच में प्ले करते हुए नजर आएंगे। अब गाइस बात कर लेते हैं आज के मैच में जो दोनों टीम की लास्ट मैच की बॉक्स स्कोर थी उसकी रिगार्डिंग बात कर लेते हैं। बट फर्स्टली बता देते हैं गाइस फाइनल एसएल टीम के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा जहाँ पर आती है, यहाँ पर एनबीए के सारे मैचेस कवर किए जाते हैं। आप यहाँ पे रिजल्ट्स भी देख सकते हो और टीम भी स्क्रॉल करके देख सकते हो, काफ़ी बेहतरीन यहाँ पे रिजल्ट्स रहेंगे एनबीए बास्केटबॉल के और प्रीवियस सीजन भी बेहतरीन रहा था। आपको ज्वाइन करने के लिए या तो आपको कमेंट सेक्शन में यह लिंक मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल का जहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो, या आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक पिन किया हुआ मिलेगा, आप वहाँ से भी डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हो। और गाइज या तो आप सर्च करके @panther11abc और ज्वाइन कर सकते हो हमारा टेलीग्राम चैनल। और गाइज आपके लिए एक बेस्ट एप्लीकेशन लेके आया हो जहाँ पर आप अपना लॉस रिकवर कर सकते हो। अगर आपने विजन 11 डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड कर लीजिए क्योंकि इसमें बेनिफिट आपको ये है कि यहाँ पर 5 मिनट एक्स्ट्रा टाइम मिलने वाला है और लेस कंपटीशन यहाँ पे मिलने वाला है लो एंट्री फी अदर एप्लीकेशन के मुकाबले, इसलिए गाइज आप डाउनलोड कर लीजिएगा। आपको लिंक मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे या आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी विजन 11 का लिंक मिलेगा जहाँ पे डाउनलोड करके अपना लॉस रिकवर कर सकते हो। और गाइज यहाँ पे क्रेडिट की कोई इशू नहीं है, 5 मिनट एक्स्ट्रा टाइम है इसलिए अपना लॉस रिकवर कर सकते हो इजिली। और विनिंग की रेशियो जो रहेगी इस पर 80-90% चांसेस भी रहेगी विन करने की, हमारी जो रिजल्ट है इस पर बहुत बेहतरीन है। आप स्क्रॉल करके चेक कर लेना फिर आप डाउनलोड कर सकते हो, अगर आपने डाउनलोड कर लिया है तो मच बेटर है, अगर नहीं किया है तो डाउनलोड करें और अपना लॉस रिकवर करें। गाइज बात करते हैं दोनों टीम की जो आज के मैच में लास्ट मैच की जो दोनों टीम के बॉक्स स्कोर थी उसके रिगार्डिंग बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं एटलांटा हॉक्स की तरफ से लास्ट मैच ये हार के आ रही है ब्रुकलिन नेट्स से और गाइस इनके तरफ से लास्ट में जो स्टार्ट किए थे टी यंग स्टार्ट करते हुए नजर आए थे जिन्होंने 37 मिनट्स प्ले किया था, 33 इनके पॉइंटर थे, 9 रिबाउंड 1 असिस्ट, 3 इनके ब्लॉक थे। जे जॉनसन की बात करें 33 मिनट्स प्ले किए थे, 2 पॉइंटर 7 रिबाउंड 2 असिस्ट 1 इनके ब्लॉक थे। और सी कपेला की बात करें जिन्होंने 29 मिनट्स प्ले किए थे, 15 पॉइंटर 11 रिबाउंड 1 असिस्ट 1 इनके ब्लॉक थे, 1 इनके स्टील थे। एजे गिफिन की बात करें जिन्होंने 20 मिनट्स प्ले किया था, 10 पॉइंट 2 रिबाउंड 2 असिस्ट 1 इनके स्टील थे। ए होलीडे की बात करें जिन्होंने 19 मिनट्स प्ले किया था, 4 पॉइंट 2 रिबाउंड 1 असिस्ट 3 इनके स्टील थे। गाइस बेंच प्लेयर जो थे इनके बी बोंगडा भी जिन्होंने 34 मिनट्स प्ले किया था, 31 पॉइंट 2 रिबाउंड 3 असिस्ट 1 इनके स्टील थे। टी फॉरेस्ट की बात करें जिन्होंने 28 मिनट्स प्ले किया था, 11 पॉइंट 2 रिबाउंड 3 असिस्ट 2 इनके स्टील थे। गाइस और ओकुंगो की बात करें जिन्होंने 19 मिनट्स प्ले किया था, 6 पॉइंट 7 रिबाउंड 1 इनके स्टील थे। जे हॉलीडे की बात करें 11 मिनट्स प्ले किया था, 1 इनके रिबाउंड 1 इनके ब्लॉक थे, इनका भी बेहतरीन परफॉर्म रहा था। जे कुलवर ये आपको 10 मिनट्स प्ले किया थे, 4 पॉइंट 4 इनके रिबाउंड रहे। गाइस बात करते हैं बेंच प्लेयर जो इनके आज के मैच में रहने वाले हैं वो शिकागो बुल्स जो आपको लास्ट में चाहिए जीत के आ रही है द लास्ट मार्विक से और इनके तरफ से लास्ट में जो स्टार्ट किए थे डी डोजरेन जिन्होंने 32 मिनट्स प्ले किया था, 28 पॉइंट 9 रिबाउंड 5 असिस्ट इनके थे। पी विलियम्स की बात करें 38 मिनट्स प्ले किए थे, 11 16 इनके पॉइंट थे, 3 रिबाउंड 3 असिस्ट 2 इनके ब्लॉक थे। और जेड लेवाइन की बात करें जिन्होंने 27 मिनट्स प्ले किए थे, 16 इनके पॉइंटर थे, 3 रिबाउंड 3 असिस्ट थे और 2 इनके स्टील थे। और एन भोसविक की बात करें जिन्होंने 26 मिनट प्ले किए थे, 20 पॉइंटर 8 रिबाउंड 4 असिस्ट और 1 इनके ब्लॉक थे, 1 इनके स्टील थे।
एक क्रोशो की बात करें जो लास्ट मैच इन्होंने स्टार्ट किया था, बट आज के मैच में आप नजर आएंगे इन्होंने 6 मिनट प्ले किया था, 1 पॉइंट 1 रिबाउंड, 1 इनके असिस्ट, 1 इनके स्टील थे। गाइस बात करते हैं बेंच से प्ले करने आए थे एडी वेंसू, जिन्होंने 31 मिनट्स प्ले किया था, 17 पॉइंट 4 रिबाउंड, 2 असिस्ट, 1 इनके स्टील थे। और सी वाइट की बात करता हूँ, ये भी बेंच से प्ले करने आए थे लास्ट मैच, बहुत बढ़िया इनको चांस भी मिला था और अच्छा खासा टाइम मिला और बेहतरीन परफॉर्म भी करते हुए नजर आए थे। 7 पॉइंटर थे, 7 इनके असिस्ट थे, 2 इनके पॉइंट और 4 असिस्ट, 2 इनके ब्लॉक, 1 इनके स्टील थे। डी जोन्स की बात करें, लास्ट मैच में इन्होंने बेन से बहुत बेहतरीन परफॉर्म इन्होंने किया था, 16 पॉइंट 5 रिबाउंड, 1 असिस्ट, 1 इनके स्टील थे। और एड डॉडमैन की बात करें, ये आपको ड्रूमैन जो सेंटर से प्ले करते हैं, 18 मिनट्स इन्होंने प्ले किया था, 9 पॉइंट 7 रिबाउंड, 1 इनके असिस्ट थे। और डेजरिक की बात करें, जिन्होंने 16 मिनट प्ले किया था, 14 इनके पॉइंट थे, 3 रिबाउंड, 1 इनके स्टील थे। अब गाइस बात कर लेते हैं आज के मैच में जो हम लोग एसएल और जेल्स में जिस प्लेयर्स को पिक करने वाले, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले। तो सबसे पहले पॉइंट गार्ड सेक्शन से हम देखते हैं, तो टी यंग आज के मैच को स्टार्ट करेंगे, अपनी टीम में मस्ट पिक करना है, ये एज ए कैप्टन इनको लेके जा सकते हो क्योंकि इस टीम के एटलांटा हॉक्स के मेन प्लेयर है, 3 पॉइंटर स्पेशलिस्ट है, अपनी टीम में मस्ट पिक करना है। इनका एवरेजिंग जो 45 to 50 पॉइंट पर मैच है, अपनी टीम में एज ए कैप्टन ट्राई करना है। एडी वेंसू की बात करें, ये भी स्टार्ट करेंगे, अपने टीम में ट्राई कर सकते हो क्योंकि एक रेसर आउट है, तो अपनी टीम में इनको ट्राई कर लेना। एल बॉल भी आउट है, इनको ड्रॉप करके इन दोनों को आप ड्रॉप कर देना, और ये डेवेंसू को अपने टीम में मस्ट पिक करना है क्योंकि ये स्टार्ट करेंगे, फुल्ली टाइम इनको मिलेगा। ये हॉलीडे की बात करें, बेंच से प्ले करेंगे बट इनको कम टाइम मिलेगा, आप किसी जेल टीम में क्रेडिट मैनेज के लिए ट्राई कर सकते हो, अदरवाइज इनको ड्रॉप करके चलना। और शूटिंग गार्ड से बात करते हैं, यहाँ पे डी मुरे आउट रहेंगे, ड्रॉप कर दीजिएगा डी मुरे को। और गाइस यहाँ पे आपको दिख जाएंगे डेज लिवाइन देखेंगे, जेड लिवाइन जो आपको स्टार्ट करते हुए नजर आएंगे, एज ए कैप्टनशिप भी इनके साथ जा सकते हो, बट आप इनके साथ वीसी चले जाना और टी यंग के साथ कैप्टनशिप चले जाना, वो ज़्यादा सेफ आपके लिए रहने वाला है। डी डेजरी की बात करें, लास्ट मैच इनको अच्छा खासा टाइम मिला था और परफॉर्म भी बेहतरीन किया था, 14 पॉइंट इन्होंने लास्ट मैच कलेक्ट भी किया था। कल्चरल की बात करें, इनको कम टाइम मिला है, वैसे आप किसी जी एल टीम में ट्राई कर सकते हो, अदरवाइज एस एल टीम में ड्रॉप कर देना। बी बोगनाविच की बात करें, बेंच से प्ले करते कम टाइम इनको मिल रहा है, जे होलीडो को भी कम टाइम मिल रहा है, वैसे इन सबको एस एल टीम में ड्रॉप करके चलना। और शूटिंग गार्ड से हम बात कर ले, स्मॉल फॉरवर्ड से बात करते हैं, डेजरेन जो ये स्टार्ट करेंगे, बेहतरीन ऑप्शंस आपके लिए हो सकते हैं, क्रेडिट इशू नहीं है तो आप मस्ट पिक करना, एज ए वी सी भी आप इनके साथ जा सकते हो। डी हटर ये आपको जीडीडी है बट आज के मैच में मोस्टली चांसेस है ये प्ले करते हुए नजर आएंगे, अपने टीम में ट्राई कर सकते हैं। एगी फिन आज के मैच में स्टार्ट करेंगे, 7.5 क्रेडिट में अवेलेबल है। और सी वाइट की बात करें, बेंच से प्ले करते हैं, ठीक ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। और डी जोन्स की बात करें, अच्छे खासा परफॉर्म किया इन्होंने लास्ट में, अच्छा खासा बेहतरीन परफॉर्म करके आ रहा है, 5 क्रेडिट में अवेलेबल है, क्रेडिट मैनेज के लिए बेस्ट ऑप्शन अपने टीम में ट्राई कर सकते हो। पावर फॉर्ड से प्ले करने आएंगे आज के मैच में, जे कोलिन जो स्टार्ट करेंगे, बेहतरीन ऑप्शन है, ये आपको रिबाउंड असिस्ट करते हुए नजर आते हैं, अपने टीम में मस्ट भी कर सकते हो। पी विलियम्स लास्ट में स्टार्ट किया था, बेहतरीन परफॉर्म इन्होंने किया था और आज के भी मैच में स्टार्ट करते हुए नजर आएंगे, अपने टीम में ट्राई कर लेना। जे ग्रीन आज के मैच में जीडीटी है तो अपने टीम में अभी इनको पिक मत करना, वैसे ये अगर मोस्टली चांसेस से प्ले करते हुए नजर आएंगे। जे जॉनसन ने स्टार्ट करेंगे, अपने टीम में ट्राई कर लेना क्योंकि ये आपके लिए पंट पिक होने वाला है आज के मैच में, के लिए केन टूटी किटू को चांस नहीं मिला। और यहीं सेंटर से हम बात कर लेते हैं, आपको एन भोसवी की ये आपको स्टार्ट करते हुए नजर आएंगे, अच्छे ऑप्शन आपके लिए हो सकते हैं वीसी के लिए, आप इनके साथ भी आप जे एल टीम में अगर प्ले करते हैं तो इनके साथ भी ट्राई कर लीजिएगा। कपेला स्टार्ट करते हुए नजर आएंगे, कपेला अच्छे ऑप्शन आपके लिए हो सकते हैं। एडोनमेट बेन से प्ले करते हुए नजर आएंगे, इनको भी अच्छा खासा टाइम मिला और बेहतरीन परफॉर्म कर रहे हैं, अपनी टीम में ट्राई कर सकते हो। वो कोंगू जी डी डी है बट मोस्टली चांसेस ये प्ले करते हुए नजर आएंगे, प्ले करेंगे अपनी टीम में ट्राई कर सकते हो, अच्छे ऑप्शन आपके लिए हो सकते हैं। बाकी एफ कम्युनिस्ट की ये सबको कम टाइम मिला है, इन सबको ड्रॉप करके चलना। अब गाइस बात कर लेते हैं सेट टीम प्रीव्यू की, जो आज के मैच में हमारी रहने वाली उसकी हम बात कर लेते हैं, तो देख सकते हैं फाइनल टीम के लिए गाइस हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जहाँ पर फाइनल एसएल टीम आने वाली है या मैच से रिगार्डिंग जो भी इन्फॉर्मेशन होगी सारी हमारे टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट कर दिए जाएंगे। और गाइज आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो को लाइक नहीं किया, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकेगा। और गाइज बात कर लेते हैं सेट टीम प्रीव्यू की, तो आप देख सकते हो यहाँ पे पॉइंट गार्ड सेक्शन से टी यंग को मैंने स्पीड किया हुआ है और ए डोवेंसो को मैंने अपने टीम में पिक किया हुआ है क्योंकि दोनों स्टार्ट करते हुए नजर आएंगे और बेहतरीन ऑप्शन आपके लिए हो सकते हैं, अपने टीम में मस्ट पिक करना। डी लिवाइन को मैंने एज ए वी सी ट्राई किया हुआ है, यहाँ पे थोड़ा सा रिस्क लिया, और डी रोजरेन को मैंने ड्रॉप करके, और यहाँ पे मैंने भिस्विक को ट्राई किया हूँ अपनी टीम में
क्योंकि एक ग्रिफिन हमारे टीम में आ जा रही है, स्टार्ट कर रहे हैं, और जे जॉनसन भी स्टार्ट करते हुए नजर आ रहे हैं अपने टीम में, इनको पिक कर लेना। पी विलियम्स भी स्टार्ट कर रहे हैं, और गाइस यहाँ पे सी कपिला भी स्टार्ट करेंगे, और एन विस्बिक भी आपको स्टार्ट करते हुए नजर आएंगे। कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी के लिए, यंग है जेड लेवाइन भी है, और विस्बिक भी आपके लिए अच्छे ऑप्शंस हो सकते हैं कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी के लिए। अगर आप जीएल प्ले करते हैं तो अल्टरनेट करके आप ट्राई कर लेना जीएल, अदरवाइज एसएल टीम के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, जहाँ पर फाइनल एसएल टीम आने वाली है, या मैच से रिगार्डिंग जो भी इन्फॉर्मेशन होगी सारी हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करती जाएंगी, इसलिए मिस मत कीजिएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू। और गाइस आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज कीप योर सपोर्ट विद पैंथर 11।